YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ऑलरेडी 3 सांसद थे, सो फाइनली अब चौथा सांसद बनने को तैयार है और पवन सिंह को भी टिकट मिल गया है। जिस तरीके से बातें चल रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का पत्ता कट सकता था, लेकिन अब जो है बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैंडिडेट का चुनाव कर लिया गया है और तकरीबन 195 लोकसभा कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो गया है और उसमें भोजपुरी के सुपरस्टारों ने बाजी मार लिया है। जी हां, बात करें तो जो तीनों सांसद थे ऑलरेडी, मनोज तिवारी की बात कर लें, चाहे रवि किशन की बात कर लें या निरहुआ की बात कर लें, ये तीनों सांसद जो हैं वो एक बार फिर से टिकट लेने में सक्षम हो पाए हैं और एक और भोजपुरी पावर स्टार का नाम जुट गया है और वो नाम पवन सिंह है। कहां से चुनाव लड़ेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि मनोज तिवारी जो हैं वो दिल्ली के एक लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो सीट है उत्तरी पूर्वी दिल्ली, यानी कि मनोज तिवारी को उत्तरी पूर्वी दिल्ली से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं दूसरा नाम रवि किशन का है, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं तीसरा नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ का है, जो आजमगढ़ से चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरेंगे। तो वहीं जो नया नाम जुड़ा है वो पवन सिंह का है। जी हां, बात करें तो पवन सिंह का पश्चिम बंगाल के एक लोकसभा सीट आसनसोल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और इसकी घोषणा जो है वो कहीं ना कहीं अब कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के ऑथेंटिक तौर पर। देखिए, बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप सभी को बता देना चाहिए। बाकी इस खबर को लेकर आपकी राय बताइए और इस बार कितने भोजपुरी सांसद बन पाएंगे बताइएगा। धन्यवाद।